Please support me daily new cross-dressing story in Hindi. एक गृहिणी के अध्याय सात। एक गर्म रविवार की दोपहर में अरुणा अपने कार्यालय के कामों में व्यस्त थी और मैं अपने घर के काम खत्म करने के बाद अपनी नियमित दोपहर की नींद को अपनी रात पहनने की कोशिश कर रहा था। मैंने अब एक घर के पति के रूप में बेरोजगार और रहने वाले कितने महीने के लिए गिनना बंद कर दिया है। मैंने सब वापस आने और पैसे कमाने में अपने प्रयासों को रोक दिया। अरुणा समझ रहा था और ज्यादातर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है, और केवल कुछ गंभीर तर्कों के दौरान उन्होंने मुझे बेकार और अक्षम के रूप में बुलाया। अरुणा अब अपने करियर में सीढ़ी को ले जा रही थी और हमारा वेतन और बोनस हमारे परिवार बचत और हमारे ईएमआई का भुगतान करने के लिए बहुत अधिक है। हालांकि यह एक बेरोजगार लड़का होने में इतना आसान नहीं था। मुझे अपने सभी पुरुष प्रभुत्व और अहंकार को खोना पड़ा। मैंने इन सभी वर्षों में विकसित किया उसके साथ रहने के लिए। मुझे यह महसूस करने में काफी समय लगा कि मैं इस परिवार के प्रमुख नहीं हूं और अब यह मेरी पत्नी अरुणा के अलावा कोई और नहीं है। मैंने यहां और वहां लगभग सभी बैंक बचत बिताए और अंततः मेरे जेब के पैसे के लिए भी उस पर भरोसा करना पड़ता है। अब ये सब घर के काम करने के लिए दिन प्रतिदिन जीवन बन गया है और उसे खुश करने के लिए या कम से कम उसे गुस्सा नहीं करने के लिए मैं खाना पकाता हूँ जो हमेशा उसकी इच्छा और जिस तरह से पसंद करता है उसके आधार पर होता है। समय के साथ मैंने अपने अधिकार को मेरे प्रति स्वीकार करना शुरू कर दिया। जब उसने मेरे कामों के लिए प्रशंसा की तो मुझे खुशी हुई और जब उसने मेरी गलतियों के लिए मुझे डांटा तो रोया। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार हम दोनों में दोपहर का भोजन या रात का खाना एक साथ था या फिल्म देखने में समय बिताया। मुझे अंग्रेजी चैनल पसंद नहीं है जो वह देखती है और वह मेगा धारावाहिकों से नफरत करती है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। इस नए जीवन के साथ मैंने कुछ नए महिला मित्र बनाए जो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं कि हम नियमित रूप से और कुछ अरुणा के कार्यालय सहयोगियों में जाते हैं जो हमारी पार्टी में आए थे। मेरा पार्लर विजिट अधिक बार और अनिवार्य हो गया है। अरुणा हमेशा चाहता था कि मैं अपने दाढ़ी और मूंछ को साफ मुंडा रखूं, इसलिए मैंने हर वैकल्पिक दिन शेविंग करना शुरू कर दिया। समय के साथ इससे मेरे चेहरे पर कुछ एलर्जी और जलन हुई और पार्लर लड़कियों ने मुझे स्थायी लेजर बालों को हटाने के उपचार करने का सुझाव दिया। प्रारंभ में मैं संकोच कर रहा था, लेकिन अरुणा इतनी जिद्दी थी कि मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो लेजर उपचार शुरू हुआ और कुछ सिटिंग्स में चेहरे के बाल विकास पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसने मुझे एक किशोर लड़के की तरह दिखाया जो दाढ़ी या मूंछ कभी नहीं बढ़ता। यह महसूस करना कि मैं कभी दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे भी यह अक्सर शेविंग से बड़ी राहत थी और मैं किसी भी तरह से खुश हो गया। अरुणा भी बदलाव से बहुत खुश थी और तब से वह मेरे चेहरे को चूमना या मेरे गालों के साथ अक्सर खेलना पसंद करती है। फिर एक दिन मेरे नियमित पार्लर सत्र एक मजाकिया घटना के साथ मसालेदार हो गए। मेरे चेहरे पर मेरा चेहरा था और मेरी आंखों को बंद करके आराम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने कानों के पास कुछ महसूस हुआ जिसे मैंने अभी अनदेखा किया। फिर अचानक मुझे एक तेज दर्द महसूस हुआ और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मेरे कान में से एक बंदूक से छेदा हो गया। मैं बहुत गुस्सा हो गया और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यही वह समय है जब उन्हें एहसास हुआ कि नई लड़की ने गलती की और दूसरे के बजाय मेरे कान को छेड़ा। अरुणा और अन्य ने मुझे शांत करने की कोशिश की। प्रबंधक ने माफी मांगी और एक मुफ्त सेवा करने की पेशकश की। उन्होंने मेरे एक और कान को भी छेदने के लिए कहा, ये कहते हुए कि क्या मैं कुछ भी नहीं पहनता, छेद कुछ हफ्तों में बंद हो जाएगा। अरुणा भी वही कामना की तो अंत में मैं सहमत हो गया और मेरे एक और कान को भी छेदा हुआ। अरुणा ने मुझे एक छोटे से पत्थर के साथ सोने की चढ़ाया बालियों का एक सेट उपहार दिया, क्योंकि उसे दुकान में एक भी पुरुष का संवर्धन नहीं मिला। तब से मैंने नियमित रूप से अपने कानों में सोने के संवर्धन को पहनना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग इन सभी परिवर्तनों को याद कर रहा था और मैं नींद से जाग गया। मैंने अपने सभी बदलावों को स्वाभाविक रूप से लिया क्योंकि यह आया और अब तक इनमें से किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज जब मैं वापस देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा जीवन कितना बदल गया है। अचानक डोरबेल रिंग। मैं उलझन में था कि यह कौन था, लेकिन फिर सुना सुना कि अरुणा ने दरवाजा खोला और किसी से बात कर लिया और यह भी महसूस किया कि उसने कुछ जोड़े का स्वागत किया।
अरुणा ने फिर मुझे फोन करना शुरू कर दिया, जिसने मुझे घबराया। मैं अभी भी अपने अनौपचारिक रात में था। एक टट्टू में बंधे बाल और प्रत्येक हाथ में सोने की चूड़ियों के दो सेट पहने हुए थे। अरुणा हमारे कमरे में आया और मुझे बताया कि यह उसका करीबी दोस्त सूर्य और उसके पति है। अरुणा के टॉम्बाय मित्र को याद रखें। उसके प्रभाव के तहत अरुणा ने बहुत कुछ बदल दिया है। मैं रात को पहनने में संकोच कर रहा था, इसलिए उसने मुझे टी शर्ट और शॉर्ट्स में बदलने के लिए कहा और जल्द ही बाहर आ गए। इस प्रकार मैंने पोशाक बदल दी, लेकिन फिर भी वे एक महिला के कपड़े भी थे। टी शर्ट मेरी कमर और कूल्हे में इतनी कसकर गले लगा रही थी और शॉर्ट्स भी बहुत तंग फिट थे। मैंने साजादों के एक सेट को हटा दिया, सादे छोड़कर, फिर अपने बालों को समायोजित किया और कमरे से बाहर आया। मैंने उन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने हमें एक उपहार पैक दिया। सूर्य ने अपने पति रेशेश को हमारे पास पेश किया, जल्द ही उन्हें ऋतु के रूप में बुलाया। सूर्य ने पहले की तरह ही देखा, एक मकबरा के रूप में पहने हुए। उसने अपने बाल बहुत कम कटौती की और एक तंग टी शर्ट पहनी थी। उसने अपनी बाहों दोनों को भी टैटू किया। इसके विपरीत रितेश ऋतु को क्लासिक पायजामा और कुर्ता में पहना गया था। उसके जैसे मेरे जैसे एक साफ मुंडा चेहरे थे और गर्दन के नीचे बाल थे। अपने रेशमी मुलायम बाल और चमकते चेहरे को देखते हुए मुझे यकीन था कि वह नियमित रूप से मेरे जैसे पार्लर भी जाता है। उसके पास बहुत शांत और अच्छा मुस्कुराते हुए चेहरे थे। हम दोनों ने कुछ समय के लिए चैट किया और फिर सूर्य ने एक महत्वपूर्ण घोषणा दी। उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा है और अगले दिन वहां स्थानांतरित हो जाएगा। और इस प्रकार वे एक छोटी निजी पार्टी के लिए जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आए थे। ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि सूर्य ने पहले इसका उल्लेख नहीं किया है। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वे अपने अपार्टमेंट में एक फ्लैट में जा रहे हैं और वह भी हमारा अगला दरवाजा। तो सूर्य और ऋतु हमारे नए पड़ोसी हैं। अरुणा की थोड़ी निराशा थी कि सूर्य ने इन सभी को एक रहस्य के रूप में रखा, लेकिन वह खुश थी कि वह सबसे अच्छा दोस्त अब भी उसका पड़ोसी है। अरुणा ने मुझे हमारे लिए चाय तैयार करने के लिए कहा और इस प्रकार मैं रसोई में गया। इसके बाद ऋतु, मैंने उसे हॉल में रहने के लिए जोर दिया, लेकिन वह वैसे भी मेरी मदद